गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एडी सिविल सर्विस क्लास में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज 64th बीपीएससी मेंस का हिंदी पेपर कंप्लीट हुआ और हिंदी पेपर का आज हम एनालिसिस करेंगे, देखते हैं। तो पहला नंबर जो क्वेश्चन है वो है आपका निबंध। निबंध में आपको टोटल 6 निबंध थे जिसमें आपको एक लिखना था 500 वर्ड में। 30 नंबर का था ये। तो पहला था स्वच्छ भारत अभियान, दूसरा भारत की शिक्षा एवं संस्कृति, तीसरा तीर्थ यात्रा वर्णन, चौथा दूरदर्शन द्वारा शिक्षा, पांचवा मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, और सिक्स परिश्रम स्वर से भी बढ़कर बहुमूल्य वस्तु है। तो इनमें से किसी एक पर लिखना था लगभग 500 वर्ड में। जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है वो था आपका संक्षेपण, ये लगभग 126 वर्ड का दिया हुआ है पैसेज। इसको पढ़ के उचित शीर्षक के साथ इसको एक तिहाई शब्दों में सार लिखना था, और यह 15 मार्क्स का था। नेक्स्ट थर्ड नंबर, इसमें आपको अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना था। 10 वाक्य दिए थे जो अशुद्ध थे और 10ों को शुद्ध करना था। 1 मार्क्स का एक वाक्य था, टोटल 10 मार्क्स के। तो पहला था गुरु के ऊपर श्रद्धा रखनी चाहिए, दूसरा वह आगे बढ़ सकने का प्रयत्न करता है, तीसरा देवता को एक फूलों की माला चढ़ा दी, चौथा मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, पांचवा पंडित जी कहे हैं कि कल छुट्टी रहेगी, सिक्स लड़के और लड़कियां खेल रहे हैं, सातवां पुलिस ने हरि पर आरोप लगाया, आठवां मैं गाने की कसरत कर रहा हूँ, नौवां हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह हो रहा है, और दसवां उसे मृत्युदंड की सज़ा मिली है। नेक्स्ट दोस्तों, जो 4 नंबर है इसमें मुहावरे दिए हुए हैं, उसका अर्थ बताते हुए उसको वाक्य में प्रयुक्त करना है। टोटल 10 मुहावरे दिए हैं जिसमें से आपको 5 को लिखना है। जो भी आपको आ रहा है 5 उसी को आप अर्थ बता के वाक्य में कन्वर्ट करना है। 1 3 नंबर का है और टोटल 15 नंबर का। तो आप इसको देख लीजिए। पहला है दांत काटी रोटी, दूसरा है हवा से बातें करना, तीसरा है हाथों के तोते उड़ना, चौथा 2 दिन का मेहमान, पाँचवा आस्तीन का छाप, छठा कुएं में भाग पड़ी, इसके बाद सातवां जहाँ चाह वहाँ रहा, आठवां जस दूल्हा तस बनी बारात, नौवां नीचे के दांत नीचे ऊपर के दांत ऊपर रह जाना, और दसवां हीरा मुँह से ना कहे लाख हमारा मोल। इसके बाद तो पांचवा क्वेश्चन है वो दोस्तों समास से आया हुआ था। पिछली बार समास दिया हुआ था और उसका विग्रह करना था, लेकिन इस बार आपका समास की परिभाषा पूछा हुआ है और उसका भेद पूछा हुआ। तो समास से लगभग हर साल क्वेश्चन होता है, थोड़ा घुमा फिरा के या तो आपको समास दिया रहेगा उसको विग्रह करना होगा, नहीं तो आपको समास की परिभाषा देख पूछेगा आपसे और उसको भेद बताना होगा आपको। तो ये 10 नंबर का था। नेक्स्ट जो हर साल आता है वो आपका था पर्यायवाची शब्द। टोटल 10 शब्द दिए हैं जिनमें से 5 को आपको पर्यायवाची शब्द लिखने हैं, 2-2 पर्यायवाची लिखने हैं, जो आपको आ रहा है उसको आप लिख सकते हैं। तो पहला शरीर, दूसरा गंगा, तीसरा झंडा, चौथा अग्नि, पांचवा बादल, छठा सेना, सातवां अतिथि, आठवां शत्रु, नौवां आकाश, दसवां हवा। तो कोई सा भी 5 आप लिख सकते हैं इसमें। नेक्स्ट है वो है आपको विलोम शब्द। तो यहाँ पर भी देख लीजिए 10 टोटल शब्द दिए हैं जिसमें से आपको 5 को विलोम शब्द लिखना है। तो पहला है असंतोष, दूसरा है आलस्य, तीसरा है अभिमान, चौथा है कृतज्ञ, पाँचवा है मुक्ति, सिक्स संधि, इसके बाद सातवां निंदनीय, आठवां जड़, नौवां कृपण, दसवां शयन। जो भी आपको 5 आ रहा है उसको लिखिए आप, 2.5 नंबर के हैं टोटल 5 नंबर के दोनों मिला के। इसके बाद आपका नेक्स्ट है वह है आपका अनेक शब्द के एक शब्द। इसमें से आपको अनेक शब्द के एक शब्द भी लिखना है और उसका वाक्य भी बनाना है। जैसे 10 मुखों वाला जिनमें जान ना हो, 15 दिनों का समूह, जो पढ़ने लायक हो, जो ग्रहण करने योग्य ना हो, जो शक्तिहीन हो, उच्च कुल वाला, जो बात पहले हो चुकी हो, दूसरे के मन को जानने वाला, कविता लिखने वाला। तो आपको 10 में से 5 जो भी आपको आ रहे हैं उसको वाक्य में कन्वर्ट करना है। पहले तो उसका एक अनेक शब्द का एक शब्द लिखना है, फिर उसको वाक्य में कन्वर्ट करना है। जो 8 नंबर क्वेश्चन है वो है सर्वनाम। पिछली बार दोस्तों संज्ञा से क्वेश्चन आया हुआ था, संज्ञा और उसका भेद पूछा था। तो मैंने अपने पिछले ही वीडियो में बताया था किस बार सर्वनाम नहीं तो विशेषण से क्वेश्चन आ सकता है, तो वही हुआ। सर्वनाम की परिभाषा लिखे, लिखते हुए उसके भेदों को सुधारण बताएं। तो
तो आप इसमें आसानी से गेस कर सकते हैं कि अगली बार क्वेश्चन क्या आने वाला है। जो लास्ट क्वेश्चन है 9th नंबर, वो है शब्द दिए हुए हैं वो अशुद्ध है, उसको शुद्ध करना है। 10 शब्द दिए हैं जिसमें से आपको 5 को लिखना है। तो इसमें आपका उपरोक्त, आशीर्वाद, महत्वाकांक्षा, माननीय, दुष्कर, उत्तरदायी, निष्पक्ष, पृष्ठपेषण, रचयिता, औषधि। बहुत ही आसान है, आप आसानी से, अगर आपको हल्के से भी बेसिक नॉलेज है हिंदी की तो आप आसानी से इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारा टोटल क्वेश्चन था हिंदी का, 9 क्वेश्चन टोटल लाइव होते। और दोस्तों ये पेपर क्वालिफाई होता है, इसका मार्क्स मेंस मार्क्स में ऐड नहीं होता, इसमें 30 या 33 नंबर लाने होते हैं आपको पास होने के लिए। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान था, अगर आपको हल्का से बेसिक नॉलेज है तो आप आसानी से इस पेपर को क्वालिफाई कर सकते हैं। और आप 2-3 साल के प्रीवियस ईयर भी लगा लेते हैं तो उतना से भी आपका काम बन जाएगा। सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने पिछली बार बताया था कि ऐसे तो हर साल आने हैं। जो आया आपके पास 6 चॉइस है, कोई एक लिखना है। इसके बाद संक्षेपण है, संक्षेपण भी बहुत आसान है, आप पढ़ के आसानी से शीर्षक को गेस कर सकते हैं। अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना भी ऑलमोस्ट ठीक ठाक है। इसके बाद आपका मुहावरे, मुहावरे में आपके पास 10 ऑप्शन है। बाय द वे आपको 5 नहीं भी आ रहा तो आप 5 को आसानी से लिख सकते हैं वाक्य बना के। समास तो आपको पता है, किस बार समास पूछा है तो अगली बार समास दे देगा आपको, उसका विग्रह बताना होगा। तो आपको भी पता है कि अगली बार उससे क्वेश्चन क्या आने वाला है। इसके बाद पर्यायवाची तो हर साल आता है, और विलोम शब्द इस बार नया है, पिछले बार नहीं आया हुआ था ये। और ये भी हर साल आता है, अनेक शब्द के एक शब्द भी हर साल आता है। तो आप इसको देख लीजिए, 50-60 याद कर लीजिएगा, उससे क्वेश्चन बार बार आपका रिपीट होगा। इसके बाद जो सर्वनाम पूछा है तो अगली बार संज्ञा और विशेषण तैयार कर लीजिए। और ये तो बिल्कुल ही आसान है, आप कॉमन कॉमन वर्ड है, आसानी से इसको आप लिख सकते हैं। तो ये था हमारा हिंदी का पेपर फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।